जय भीम नमो बुद्धाय। आज हम लोग वर्धा में हैं और ये हमारे वर्धा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है विशाल मानकर जी, और आज हम लोग यहाँ पर उनके इस शॉप में हैं। समर सीजन का आने वाला है और उन्होंने समय को पहचानते हुए ये उनका एक सेटअप यहाँ पर बिजनेस उन्होंने डाला है, तो वो ही बताने के लिए हम यहाँ आए। मेरे साथ अखिल भारतीय बौद्ध भिक्षु संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भदंत डॉक्टर आनंद यहाँ पर मौजूद हैं। वर्धा और विदर्भ में जो बहुत बड़े पैमाने पर काम करता है वो डॉक्टर भदंत राजरत्न भी मेरे साथ हैं और विशाल मानकर जी हैं। तो विशाल जी, आपको पूरे देश भर के और देश भर के बाहर के भी लोग देख रहे हैं, और हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि बौद्धों को अब, क्योंकि नौकरियों का परसेंटेज कम होते जा रहा है, नौकरियाँ खत्म हो रही है, तो बौद्धों को उद्योजकता की ओर बढ़ना चाहिए, ये हमेशा हम लोग कहते रहते हैं, मैं कहता रहता हूँ। तो हमने शुरुआत अपने ही घर से की है। हमारे स्टेट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट विशाल मानकर जी, इन्होंने अपना ये सेटअप यहाँ पे डाला है, बिजनेस डाला है, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ दे रहे हैं। शाम को हमारी धम्म परिषद है, वो धम्म परिषद से पहले हम लोग यहाँ पर मंतेश जी, हम सभी विशाल जी के इस बिजनेस को देखने के लिए हम यहाँ हैं। तो मैं वर्धावासियों से गुजारिश करूंगा कि अपना जो पैसा है ये बौद्धों के ही जेब में जाना चाहिए, तो इसलिए जितने भी बुद्धिस्ट है, वर्धा के अम्बेडकराइट्स हैं, वो विशाल मानकर जी के इस कदम को बुलंद करें, उनको मजबूती दें, उनको आगे बढ़ाने का काम करें और अपने ही उद्योजक तैयार करने का काम करें। विशाल जी, आप बताइए आपके बिजनेस के बारे में। जय भीम नमो बुद्धाय। आज आम्बेडकर साहब मेरे धनश्री फॉर्ट्री फील्ड में आए हुए है और मैंने यहाँ पे एक मेरा मार्केट में शॉप है धनश्री फॉर्ट्री फील्ड के नाम से, और यहाँ पे मैं हैम्बर आइसक्रीम का बिक्री करता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास ये लड़की है प्रियंका और लड़का है, ये दोनों मेरे को ये पूरा यहाँ पे अपने समाज के दोनों लड़के अच्छे से ख्याल दे के ये मेरा पूरा शॉप संभाल रहे हैं। और साहब आए, बनती जी आए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये तो ये मेन मार्केट में, वर्धा के मार्केट में धनश्री फ्रॉस्टी फ्रिल्स के नाम से ये बिजनेस यहाँ पे है, दुकान है, आइसक्रीम का पार्लर है, आइसक्रीम पार्लर है। तो आप सभी लोग यहाँ पर विजिट करें और विशाल जी को हौसला दें। थैंक यू।